हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है स्कॉर्पियन का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है? थंबनेल देख के तो आप गैस कर ही सकते हैं। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है स्कॉर्पियन का Z6 वेरिएंट। और स्कॉर्पियन में Z6 वेरिएंट इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों है, वो ऐसा क्या प्रोवाइड करता है, हम पूरा डिस्कस से बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने Z4 वेरिएंट या Z2 या Z8 वेरिएंट बुक कराया तो आपके लिए कब यूजफुल हो सकता है और कब आपको लॉस दे सकता है और आपका डिसीजन सही है कि नहीं वो वेरिएंट को बुक कराने का, और आपको कहीं कम पावर या कहीं कम BHP तो नहीं मिल जाए, मैं A to Z आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा स्कॉर्पियन बारे में, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपको 25 वेरिएंट धीरे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। प्राइस के साथ 11.99 लाख रुपए से प्राइस स्टार्ट है और 25 लाख में आपको कौन सा वेरिएंट मिलने वाला, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे Z6 वेरिएंट की। ये इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसलिए क्योंकि Z6 आपको दो ही मॉडल में देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको मैनुअल डीजल में और एक मिलता है आपको ऑटोमेटिक डीजल में। मैनुअल डीजल की प्राइस आपको 14.99 लाख रुपए से चालू जाती है और ऑटोमेटिक डीजल की प्राइस आपको 16.95 लाख रुपए से चालू जाती है। और इसमें कोई भी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन तो अभी तक तो देखने को नहीं मिला, आगे शायद मिल सकता है। यहाँ पे आपको सनरूफ दिया गया और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड देखने को मिलेगा जिप जैप जूम करके, जिसमें आप अलग अलग कंडीशन के रोड के हिसाब से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और आपको 7 इंच का MID देखने को मिलेगा और 8 इंच का आपको डिजिटल टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ में अलेक्सा बिल्ट आपको देखने को मिलने वाला है Z6 वेरिएंट में। तो टोटल में आपके जिस प्राइस रेंज में आपको Z6 वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और आपको यहाँ पे अलॉय देखने को नहीं मिलेंगे टायर में, सिंपल सा स्टील रिम मिलेगा, बस एक ही डिसएडवांटेज इस चीज़ का। बाकी आप अलॉय को आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, वरना Z6 आपका टोटल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता है। और अब बात आती है हमारी Z4 वेरिएंट। Z4 में टोटल आपको 5 वेरिएंट देखने को मिलता है। Z4 पेट्रोल की प्राइस आपको 13.49 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और 13.49 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा। और इसका हायर वेरिएंट आपको 16.94 लाख रुपए तक देखने को मिलने वाला है, जो कि डीजल फोर व्हील ड्राइव के साथ आएगा। और Z4 में आपको 4x4 को ऑप्शन देखने को मिलता है, ये आपको सभी मॉडल के साथ देखने को नहीं मिलेगा। Z4 का एक अलग से मॉडल है 4x4, उसमें आपको 173 BHP की पावर प्रोड्यूस देखने को मिलेगी डीजल इंजन के साथ, और पेट्रोल में आपको 200 BHP की पावर प्रोड्यूस देखने को मिलेगी। पर जो ऑप्शन में आपको 4x4 नहीं मिलता, उसमें आपको सिंपल सा 130 BHP का ही पावर प्रोड्यूस देखने को मिलेगा डीजल इंजन में, जिसकी एक्सेलरेशन और पावर बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। तो उसको लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता Z4 में। पेट्रोल इंजन आपको 200 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देगा, पर वो आपको एवरेज निकाल के नहीं देगा। तो स्कॉर्पियो का पेट्रोल इंजन शायद ही कोई लेगा, या कोई कम गाड़ी चलाना है जिसको, या इधर से उधर अप डाउन करना ऑफिस वर्क में, वही अपना पेट्रोल इंजन की तरफ जाएगा। तो उसके लिए Z4 का पेट्रोल वेरिएंट अच्छा हो सकता है, पर पेट्रोल के बदले अगर वो डीजल में शिफ्ट करता है तो उसमें आपको 130 BHP की पावर मिलेगी, जो कि इतनी कम रहने वाली है कि आपको ना पावर और ना पंची पिकअप कुछ महसूस नहीं होगा, बस आपको इतनी बड़ी सी गाड़ी देखने को मिलेगी जो कि कोई काम की नहीं देगी। तो इसलिए Z4 का डीजल वेरिएंट से अच्छा आप Z4 के पेट्रोल वेरिएंट में ज़्यादा जा सकते हैं अगर आपको कम यूज़ करना है, नहीं तो आप Z6 की तरफ जा सकते हैं। Z4 आपको सनरूफ भी नहीं देगा, जिस रेंज में Z6 का आपको 14.95 लाख में उसका मैनुअल गाड़ी मिल जाएगी, 14.95 लाख में Z6 का डीजल, जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगा और ड्राइव मोड भी देखने को मिल जाएगा अलग अलग रोड कंडीशन के हिसाब से। तो अगर आपको Z4 लेना है तो आप पेट्रोल की तरफ जा सकते हैं और डीजल की तरफ नहीं जा सकते, या तो Z4 में 4x4 ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा पावर देखने को मिलेगा। तो बात होगी Z4 की और Z6 की, तो कंक्लूजन यही निकलता है आपको Z6 की तरफ ही जाना चाहिए, Z4 में कोई भी मतलब नहीं है पैसा। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे बेस मॉडल Z2 वेरिएंट की। ये आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कैसे है, तो Z2 वेरिएंट उससे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसको गाड़ी को ट्रिप पे नहीं ले जाना है, जिसको सिटी यूज़ में ही गाड़ी को ड्राइव करनी है। तो ट्रैफिक में आपको पावर और पिकअप को उतना काम तो आएगा नहीं, आपको बल्कि से बड़ी सी गाड़ी देखने को मिल जाएगी और इतने कम प्राइस में आपको ये मिलने वाले 11.99 लाख रुपीज़ में। भले आपको सनरूफ ना मिलेगा और ज़्यादा ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलेगा, पर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। और इसका पेट्रोल इंजन आपको तो पावरफुल देखने को मिलेगा ही, और डीजल आपको भले कम पावरफुल देखने को मिले, तो इसका पेट्रोल इंजन में आराम से बात आती है Z8L वेरिएंट किंग को लेने से। उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने कोई भी पैसे नहीं लगते और चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगा। बात करते Z8 वेरिएंट किंग को लेना चाहिए, तो किसी को भी 25 लाख के अंदर 30-40 लाख रुपए की गाड़ी वाला फीचर चाहिए और जिसको बाहर से कस्टमाइजेशन नहीं कराना है, उसके लिए Z8 और Z8L वेरिएंट ही बना हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको फॉर्च्यूनर से और MG ग्लॉस्टर से कंपेयर करेंगे, जिस प्राइस रेंज में वो इतने फीचर्स नहीं देती उतनी आपको स्कॉर्पियो एंड देती है, और अगर आपको किया सेल्टोस या हुंडई क्रेटा से कंपेयर करना है तो आप इसका बेस मॉडल कंपेयर। इन शॉर्ट, अगर आपको ज़्यादा यूसेज नहीं है, आपको सिटी में गाड़ी ड्राइव करनी है, तो आप Z2 की तरफ जा सकते हैं पेट्रोल या डीजल। और आपको थोड़ा मोड़ा एडवेंचर करना और आपका बजट कम है तो आप Z6 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके पास बजट है और आपको अच्छी गाड़ी चाहिए फुल पैकेज के साथ, तो आप Z8 की तरफ जा सकते हैं। बाकी इसके सभी वेरियंट अच्छे हैं, और बाकी आप Z4 के डीजल की तरफ मत जाइए अगर आपको कोई एडवेंचर करना है या आपको ट्रिप करना है। तो इस वीडियो में बस इतने, होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।